अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वस्ती टीवी में विलेज लाइफ व्लॉग की तरफ से आप सबको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल ईद की छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, तो हर जगह गेट टुगेदर हो रहा है। तो हमने भी अपने जो है वो फार्म हाउस के ऊपर सिज्जी का इंतज़ाम किया था, तो अब वो सिज्जी का दम खुलने वाला है। तो आपके साथ मैंने कहा ये लम्हात शेयर करता चलूँ। देखें आप, ये अब ये देखें जी, अब ये दम खोलने की तैयारियां शुरू हो रही है। ये उसके ऊपर पहले जो उन्होंने लेप लगाया हुआ था उसको साफ किया है, उसके बाद इस ढक्कन को उठाया जाएगा और अंदर से सिज्जी और उसके चावलों को बाहर निकाला जाएगा। ये थोड़ा कारीगर कौन है मेन ब्राह्मण वाला केड़ा कुछ आई हैं अलग ही है फैसलाबाद लगा नहीं, वो डेली फैसलाबाद से आता है। नहीं, मैं ऑर्डर पे तैयार कर रही हूं। नहीं, ये करोड़ वाला है या भी है अपना थोड़ा अच्छा राणा सनाउल लगी लगाने गया हुआ जी। बड़ा मशहूर किस्म का ये कारीगर है, जैसा कि आपको आवाज़ भी आई होगी कि आप वो हमारे जो MNA साहब हैं फैसलाबाद के राणा सनाउल्ला, अब उनकी सिज्जी लगाने गया हुआ है कारीगर। बस जी, आप तकरीबन तैयार हो जाए, दम खुलने वाला है। अगर थोड़ा सा आपको वीडियो के अंदर अंधेरा नज़र आए तो उसके लिए माजरत खाएँ, क्योंकि टाइम रात का है और अमूमन सिज्जी का मज़ा खाने का ही रात का है। ये तकरीबन 2 बकरे लगाए थे सिज्जी के अंदर, क्योंकि पूरी तमाम फैमिली ने हमने मिलकर ये प्लान किया था। तो देखते हैं, वो वक्त करीब आने वाला है। ये इसके गिर्द ये आटा लगाया हुआ है, ये फोम है, ये आटे का लेप दिया गया था, आप उसको रिमूव कर रहे हैं। तकरीबन 14 किलो का एक बकरा था, तो चौदह किलो का गोश्त था, मतलब है कि वैसे तो उसका वजन ज़्यादा था, लेकिन काटने के बाद जो साफ़ी वज़न बचा है वो 14 किलो। और ये दाम खुल गया दोस्तों, और ये देखें सिज्जी बिल्कुल रेडी है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप बाहर निकाला जाएगा। बहुत ही खूबसूरत और इतनी महक आ रही है, काश ही आप महक को सुन सकते। और आप चावल
और ये चावलों का परात भी बाहर आ चुका है, ये कढ़ाई के अंदर रखे गए थे। बहुत ही खूबसूरत और नाइस किस्म की महक आ रही है। चाह गिनो था, चाह गिनो। हूँ बस ठीक है।